किसी ऐसी पार्टी के बारे में जानते हैं जिसने महज 2 सालों के भीतर ही कई 100 कार्यालय बना लिए हों और ना ही उनकी कोई खबर है ना ही कहीं विश्लेषण। तो आइए हम आपको बताते हैं उस राजनीतिक पार्टी के बारे में और उसके बनाए हुए सारे कार्यालयों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को यूपी में 51 नए दफ्तरों का उद्घाटन करने जा रही है। वैसे सभी 71 जिलों में नया दफ्तर बन रहा है, मगर उद्घाटन 51 का ही होगा। कुछ का उद्घाटन पहले भी हो चुका है। हमने प्राइम टाइम में फैजाबाद, मथुरा, श्रीवास्ती, बुलंदशहर, मेरठ, फिरोजाबाद के नए कार्यालयों की तस्वीर दिखाई है। सभी नई खरीदी हुई जमीन पर बने हैं। इनकी रूपरेखा और रंग रोगन सब एक जैसे हैं। बीजेपी ने सादगी का ढोंग छोड़ दिया है। उसके कार्यालय मुख्यालय से लेकर जिला तक भव्य बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी अपनी गतिविधियों को किस तरह से नियोजित कर रही है। संगठनों को संसाधनों से लेस किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को कॉरपोरेट कल्चर के लिए तैयार किया जा रहा है। 2015 में लाइव मिंट की एक खबर है, बीजेपी 2 साल के भीतर 630 जिलों में नए कार्यालय बनाएगी। 280 जिलों में ही उसने अपने मुख्यालय बनाए थे, बाकी किराए के कमरे में चल रहे थे या नहीं थे। 2 साल के भीतर इस लक्ष्य को साकार कर दिखाया है। दिल्ली में जब भाजपा का मुख्यालय बना तो कोई नहीं जान सका कि इसकी लागत कितनी आई। 2 एकड़ जमीन में 7 मंजिला इमारत का दफ्तर बनकर तैयार हो गया और उसे भीतर से किसी ने देखा तक नहीं। मतलब मीडिया ने अंदर से उसकी भव्यता दर्शकों और बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को नहीं दिखाया। इस मुख्यालय में 3-3 मंजिला इमारतों के 2 और ब्लॉक हैं। आमतौर पर नया भवन बनता है तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है, लेकिन किसी चैनल ने आज तक उसकी रिपोर्टिंग नहीं की, इजाजत भी नहीं मिली होगी। यही नहीं, अध्यक्ष के कमरे तक तो कार्यकर्ता से लेकर पत्रकार सब जाते होंगे, मगर वहां के या गलियारे की कोई एक तस्वीर मेरी नजर से नहीं गुजरी है। दिल्ली मुख्यालय के अलावा बाकी जगहों पर मीडिया के लिए पाबंदी नहीं है, तभी तो हमने प्राइम टाइम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई कार्यालय को भीतर से दिखाया है। इन सब में 200 से 400 लोगों के बैठने का कॉन्फ्रेंस रूम है, प्रेस के लिए अलग से कमरा है, ऊपरी मंजिल पर कार्यकर्ताओं के लिए गेस्ट हाउस है। बाहरी बनावट में थोड़े बहुत बदलाव के साथ हर जगह डिजाइन एक सी है। इन सभी को एक नेटवर्क से जोड़ा गया है। जबलपुर और रायपुर का कार्यालय देखकर लगता है कि कोई 5-स्टार होटल है और ऐसे ही बाकी सारे कार्यालय हैं। मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 42 में नए दफ्तर बनकर तैयार हैं, बाकी बचे हुए जिलों में बन रहा है। छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में नए कार्यालय बने हैं। सिर्फ 3 राज्यों को जोड़ दें तो बहुमंजिला कार्यालयों की गिनती 100 से अधिक हो जाती है। बीजेपी के भीतर एक किस्म की रियल एस्टेट कंपनी चल रही है। यही सब बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों को जानना चाहिए। नोटबंदी के समय पटना से कशिश न्यूज के संतोष सिंह ने कई रिपोर्ट बनाई थी। नोटबंदी से ठीक पहले बीजेपी ने देश के कई जिलों में जमीन खरीदी थी। उनकी रिपोर्ट में था कि बिहार के कई जिलों में नगद पैसे देकर जमीनें खरीदी गई थी। कांग्रेस ने थोड़े समय के लिए मुद्दा बनाया मगर छोड़ दिया। क्या ये नहीं जानना चाहिए कि बीजेपी के पास कहां से इतने पैसे आ गए? कई 100 इमारतों को बना देना आसान नहीं है। कई राज्यों और दिल्ली में मजबूती से सरकार चलाने के बाद भाजपा ना तो इतने अस्पताल बनवा सकी होगी और ना ही इतने कॉलेज खोल पाई होगी। यूनिवर्सिटी की बात तो छोड़िए, मगर 600 से अधिक मुख्यालय बना लेना आसान बात नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के अध्ययन के मुताबिक 2017-18 में बीजेपी ने अपनी आय 1,027 करोड़ बताई है। 2016-17 में 1,034 करोड़ आय थी। मीडिया रिपोर्ट में है कि अब जो भी चंदा राजनीतिक दलों को मिलता है उसका 80 से 90% बीजेपी के हिस्से में जाता है। बीजेपी के पास पैसा आया है, सिर्फ एक पार्टी के पास ही अधिकतम चंदा पहुंच रहा है, ये भी बहुत कुछ कहता है। चंदे के पैसे से तो कई 100 बहुमंजिला कार्यालय नहीं बन सकता। बीजेपी ज्ञात आय हो तो 1,000 करोड़ है। इतने में दिल्ली से लेकर बहिरात तक जमीन खरीदकर अपार्टमेंट जैसा कार्यालय बनाना संभव नहीं जान पड़ता। वैसे भी बीजेपी पूरे खर्चे के साथ साल भर चुनावी और राजनीतिक सभाएं करती रहती हैं। आप अमित शाह की रैलियों की तस्वीरें देखिए, शामियाने में सभा होने के दिन चले गए। उन सभी को देखकर भी लगता है कि कोई केंद्रीकृत व्यवस्था होगी। यही नहीं, बीजेपी के विज्ञापन का खर्च का भी ध्यान रखें। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए सबसे अधिक पैसा और संसाधन बीजेपी देती है। इन सबके बीच 600 से अधिक कार्यालय बने हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।